नमः शिवाय। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस रात्रि में किए गए उपाय शीघ्र फलित होते हैं। इस वर्ष होलिका दहन 1 मार्च को होगा। होलिका दहन के दौरान किए जाने वाले कुछ खास उपाय और टोटके करने चाहिए, जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। आज की रात्रि अपने घर के भगवान शंकर की फोटो के सामने या शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाकर रखें और पूरी रात जलने दें। जिस पीपल के पेड़ की पूजा होती है उसके नीचे घी का दीपक जलाकर रखें और अपनी प्रार्थना कहते हुए 9 बार परिक्रमा करें और घर चले आएं। पीछे मुड़कर ना देखें। यह कार्य शाम को करें। काली सरसों, हल्दी और तिल तेल या सरसों के तेल से उबटन बनाकर घर के सभी सदस्य अपने शरीर पर लगाएं और शरीर पर से उतारी गई उबटन की झिल्ली में 7 अनाज मिलाएं, साथ ही कपूर और छोटी इलायची मिलाकर जलती हुई होलिका में अर्पित करें। यह कामना करते हुए होलिका में द्रव्यों को डालें कि हम अपने अंदर के बुराइयों के प्रतीक हिरण्यकशिपु, पूतना इत्यादि जैसी सोच और मानसिकता के शमन के लिए अर्पित कर रहे हैं। हमारे अंदर की सारी बुराइयां इसी अग्नि में समाप्त हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 11 परिक्रमा करें और घर वापस चले आएं। पीछे मुड़कर ना देखें। घर की स्त्रियां गोबर के कंडे को भाइयों या पुरुषों के ऊपर से 7 बार घुमाकर एक्शन करते कंडे को होलिका में डाल दें। घुमाते समय ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। अगले दिन होलिका की राख का पुरुष टीका लगाएं और स्त्रियां अपने गर्दन पर लगाएं। होलिका दहन के बाद होली खेलने से पहले किसी मंदिर में देवी देवताओं को अबीर गुलाल चढ़ाएं, साथ ही पान में सुपारी, लौंग, इलायची डालकर देवी देवताओं को चढ़ाएं और अपने परिवार के कल्याण हेतु प्रार्थना करें। अबीर गुलाल का बड़ों को तिलक लगाएं और आशीर्वाद लें। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और मेरी तरफ से आप सभी को होली की बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्रगतिशील बने रहें। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि बुधवार 10 बजे तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र लगा रहेगा, जिसके नक्षत्र स्वामी बुधदेव हैं। आज चंद्रमा कर्क राशि में बने रहेंगे। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक बुद्धिमान, हंसमुख, कलाकार, यात्रा प्रिय और संगीत प्रेमी होते हैं। परिवर्तनशील विचारधारा वाले और स्वभाव से हठी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा और बुध की स्थिति अच्छी रही तो पूर्ण सफल होंगे। ऐसे जातकों की 27 दिन बाद फिर से इसी नक्षत्र में गंडमूल शांति करानी चाहिए। मेष राशि वाले जातकों को आज भी व्यावसायिक सावधानी रखनी चाहिए। नकारात्मक विचारों से आपका ऊर्जा स्तर प्रभावित होगा। स्वास्थ्य के गड़बड़ होने और व्यावसायिक रुकावट की संभावना बनती है। सही निर्णय लेने की क्षमता का प्रतिशत कम रहेगा, क्योंकि चंद्रमा बुध के नक्षत्र में राहु के साथ हैं। इसलिए पारिवारिक उलझन और हर काम के प्रति मानसिक दबाव बना रहेगा। संतान पक्ष से अनुकूलता बनी रहेगी, मगर मन के अंदर अंतर्द्वंद के कारण धार्मिक भावना में कमी आएगी। केले के पौधे में जल डालें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन पूर्ण फलदायी रहेगा। आपकी कार्य ऊर्जा सही अनुपात में बनी रहेगी। व्यावसायिक उन्नति और आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। मित्रों व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा।
हर काम के प्रति जल्दबाजी उचित नहीं होगी। क्रम से एक एक काम करते जाएं, शिक्षा प्रतियोगिता में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल व्यावसायिक उन्नति में करें, लाभदायक परिणाम मिलेगा। पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति होगी, फिर भी स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। मिथुन राशि के जातक अपने प्रयास और विशेष बौद्धिक क्षमता से अपनी सफलता की सीमा रेखा को बढ़ाने में सफल होंगे। आपके कार्य करने की शैली हर दिन एक अलग अंदाज में पेश होगी। पांचवें घर में बैठे बृहस्पति की प्रेरणा बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। विरोधी पक्ष दबे रहेंगे। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। आपकी आर्थिक उन्नति में महिलाओं का सहयोग अभी जारी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी। कर्क राशि वाले जातकों को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। मन में उठ रहे अंतर्द्वंद्व को शांत करके ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें। हालांकि आपका आत्मविश्वास और कार्य ऊर्जा आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। व्यावसायिक अनुकूलता मिलती रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में तनावपूर्ण स्थिति ना पैदा होने दें। सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण तालमेल बिठाकर चलें। वाहन चलाने में सावधानी बरतें और अपने सामान के प्रति सचेत रहें। सिंह राशि वाले जातक स्वास्थ्य और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक योजनाओं के निर्माण में परिश्रम करने की प्रवृत्ति और सहयोग बना रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। मांगलिक कार्यक्रमों के प्रति समय अनुकूल चल रहा है। नवीन रिश्तों का निर्माण संभावित है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। अपने सामान के प्रति सचेत रहें। गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है। वाद विवाद से बचें। वाहन सावधानी से चलाएं। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास करना होगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। केले के पौधे में जल डालें और हनुमान जी की आराधना करें। कन्या राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य, व्यावसायिक अनुकूलता और आर्थिक लाभ के लिए अधिक प्रयास और मेहनत करना पड़ेगा। धैर्य के साथ अपने प्रयास जारी रखें। समस्याओं और चुनौतियों का सामना करें। आर्थिक पक्ष के लिए सहयोग बना रहेगा। नवीन योजनाओं के लिए अभी इंतजार करें। निजी व व्यावसायिक मामलों में मनमुटाव या वाद विवाद उचित नहीं होगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। विरोधियों की साजिश से बचें और अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। माँ दुर्गा की आराधना करें और गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं। तुला राशि वाले जातक आर्थिक लेन देन और व्यावसायिक विवादों से बचें। अपनी कार्य योजनाओं की निरंतरता बनाए रखें। सकारात्मक ऊर्जा का सहयोग मिल रहा है। मौके की नजाकत को देखते हुए रचनात्मक प्रयासों को जारी रखें। आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। कार्य योजनाओं के लिए भावावेश में आकर तात्कालिक निर्णय लेने से बचें। नौकरी करने वाले कर्मचारी कोई भी पेपर साइन करने से पहले सावधानी से देख लें। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। सामाजिक समारोह में व्यस्तता बनी रहेगी। गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। वृश्चिक राशि वाले जातक धैर्य और सार्थक पहल से अपने कार्य की जटिलताओं का समाधान करने में सफल रहेंगे। फिलहाल बड़ी कार्य योजनाओं लागू करने से पहले संबंधित जानकारी गहराई से करनी चाहिए। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। धार्मिक भावना बलवती रहेगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। संतान के प्रति खर्च की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा प्रतियोगिता का प्रयास सार्थक होगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहने की आवश्यकता है। केले के पौधे में जल डालें और ओम हंग हनुमते नमः का मानसिक जप करते रहें।
धनु राशि वाले जातक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। व्यावसायिक योजनाओं की जटिलता आप अपने बुद्धि कौशल और मेहनत के बल पर सुलझाने में सफल रहेंगे। दिमागी रूप से व्यग्रता बनी रहेगी, फिर भी प्रतिकूल माहौल को अपने अनुसार करते जाएंगे। वाणी में मधुरता आवश्यक है। अपने सहयोगियों से वाद विवाद संभावित है। धैर्य और सावधानी से रिश्तों की नाजुकता को बनाए रखते हुए मामले को अनुकूल बनाएं। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान पक्ष पर खर्च की स्थिति संभावित है। निजी रिश्तों में समय की कमी महसूस होगी। आर्थिक विषमता संभावित है। मकर राशि वाले जातकों को स्वयं व पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। अपनी कार्य योजनाओं में जटिल विषयों को अपने बुद्धि कौशल से सुलझाने में सफल रहेंगे। रचनात्मक गतिविधियों में सकारात्मक कार्य क्षमता की प्रेरणा आध्यात्मिक रूप से और अधिकारी वर्ग से आपको मिलती जाएगी और संबंधित फैसले लेने में आप सफल रहेंगे। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। कुंभ राशि के जातक सुख और संतुष्टि महसूस करेंगे। आनंदपूर्ण माहौल मिलेगा। रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। व्यावसायिक योजनाएं बलवती होंगी। नवीन कार्य योजनाओं में व्यस्तता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। संतान पक्ष की अनुकूलता बनी रहेगी। विरोधी आज दबे रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी होगी। खास तौर से पेट में संक्रमण होने का खतरा बनता है। आँखों से संबंधित समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। सावधानी अपेक्षित है। कर्क राशि के व्यक्तियों से सावधानी रखनी होगी। मीन राशि के जातकों को शारीरिक स्वास्थ्य, अपने कार्य ऊर्जा और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है। व्यावसायिक मामलों में खींचतान लगी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में उलझाव की स्थिति संभावित है। अधिक जोखिम भरे कार्य करना उचित नहीं होगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। आर्थिक मामलों में लेन देन में सावधानी रखें। माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। अधिकतर मामलों में आर्थिक व्यय की स्थिति संभावित है। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से परहेज करें। केले के पौधे में जल डालें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।